नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद आज आलोचक के गुण तथा आलोचक के लिए आवश्यक नियम विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम आलोचक के गुण। आलोचक के आवश्यक गुणों के संबंध में पाश्चात्य आलोचना शास्त्र में बहुत कुछ लिखा गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में भी समीक्षक के आवश्यक कर्तव्य और गुणों का यत्र तत्र संकेत मिलता है। यहाँ पर प्राच्य और पाश्चात्य दोनों देशों के आलोचना शास्त्र और काव्यशास्त्र को दृष्टि में रखते हुए आलोचक के आवश्यक गुण दिए गए हैं। पहला गुण है सहृदयता एवं सहानुभूति। कवि के समान आलोचक का भी सहृदय होना आवश्यक है। आलोचक के लिए आवश्यक है कि वह कवि के साथ तादात्म्य स्थापित कर उसकी कृति का मूल्यांकन करे। सहृदयता के अभाव में आलोचक रसानुभूति की सम्यक व्याख्या करने में समर्थ नहीं होता। दूसरा है निष्पक्षता। आलोचक को सबसे पहले अपने पूर्वाग्रहों का परित्याग करना चाहिए, तदुपरांत पूर्णतः निसंग भाव से समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा में अनावश्यक निंदा और अनपेक्षित प्रशंसा दोनों ही अशोभनीय हैं। भावना के प्रभाव में किसी भी की प्रशंसा करना अथवा ईर्ष्या द्वेष के कारण छिद्रान्वेषण करना आलोचक का भयंकर दोष है। तीसरा है विस्तृत ज्ञान। जब तक आलोचक को लोकशास्त्र तथा आलोच्य विषय का व्यापक और गंभीर ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह कृति विशेष की उपलब्धियों, गुण दोषों आदि की सूक्ष्म व्याख्या करने में समर्थ नहीं होगा। आलोचक को केवल साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों का ही नहीं, बल्कि समाजशास्त्र, काव्यशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास आदि शास्त्रों का ज्ञान भी अत्यावश्यक है, साथ ही लोक जीवन का सूक्ष्म पर्यवेक्षण भी। चौथा है सहज प्रतिभा। भारतीय काव्यशास्त्र में कवि की प्रतिभा को कार्यत्री और भावक की प्रतिभा को भावयत्री प्रतिभा कहा गया है। काव्य और शास्त्र के प्रगाढ़ अध्ययन से उत्पन्न पांडित्य के होने पर भी नैसर्गिक प्रतिभा के अभाव में आलोचक अपने कार्य में सफल नहीं होता। सहज प्रतिभा की उपस्थिति में ही आलोचक अपनी व्याख्या अथवा निर्णयों को सशक्त, सतर्क तथा प्रभावोत्पादक बना सकता है। पांचवा गुण है अभिव्यंजना कौशल। अपने विचारों तथा हृदय पर पड़े प्रभावों की कुशल अभिव्यंजना भी आलोचक का एक वांछनीय गुण है। यदि कोई आलोचक अपने भावों और विचारों की संयत तथा मार्मिक अभिव्यक्ति करने में सफल नहीं होता है, तो उसकी आलोचना की सफलता की आशाएं कम हो जाती हैं। आलोचक को सूक्ष्म से सूक्ष्म और व्यापक से व्यापक सभी प्रकार के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति देनी होती है, अतः संयत और मार्मिक अभिव्यक्ति उसका अनिवार्य गुण है। छठा गुण है संयमशीलता। श्रेष्ठ आलोचक में साहित्यिक संयम होना चाहिए। उसके लिए कृति की समालोचना करने में उसे मित्तभाषी तथा तथ्य का उद्घाटक होना चाहिए। साहित्यिक संयम के अभाव में आलोचक किसी रचना के गुणों का विवेचन करने में आत्म प्रशंसा अपना लेता है और दोषों का विवेचन करने में व्यक्तिगत आक्षेप करने लग जाता है। इसलिए आलोचक को संतुलित विचार वाला, संयत दृष्टिकोण वाला और शिष्ट स्वभाव वाला होना चाहिए। सातवां गुण है पूर्वाग्रहों का त्याग। साहित्य के क्षेत्र में अनेक वाद प्रचलित हैं, परंतु समालोचक को किसी वाद विशेष का दृष्टिकोण अपनाकर रचना का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इस तरह के मूल्यांकन से आलोच्य कृति के साथ न्याय नहीं होता और आलोचक की आलोचना भी एक पक्षीय ही रह जाती है। आठवां गुण है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। समालोचक का दृष्टिकोण वस्तुपरक व विषयपरक होता है, इसलिए वह निष्पक्ष दृष्टि से रचना का मूल्यांकन समीक्षा सिद्धांतों के आधार पर करता है। वस्तुतः रचना के गुण दोषों का मूल्यांकन वैज्ञानिक प्रवृत्ति के आधार पर ही हो सकता है। नवां गुण है दार्शनिक वृत्ति। दार्शनिक
वृत्ति का कार्य प्रायः वैज्ञानिक वृत्ति के सदृश होता है। अंतर केवल इतना है कि वैज्ञानिक वृत्ति वर्गीकरण की ओर प्रेरित करती है और दार्शनिक वृत्ति के द्वारा आलोचक सत्य और असत्य के मध्य भेद स्थापित करने में समर्थ होता है। इसके बाद है आलोचक के लिए आवश्यक नियम। काव्यशास्त्र तथा समीक्षा सिद्धांतों के अनुसार आलोचक में उक्त गुणों के अतिरिक्त अन्य नियमों का पालन करना भी आवश्यक माना गया है। आलोचना के नियमों का पालन एक प्रकार से आचार संहिता है। पोप ने अपने एसे इन क्रिटिसिज्म में अनेक आचरणीय नियमों का उल्लेख किया है, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला, समालोचक को आत्म प्रशंसा और अभिमान से दूर रहना चाहिए। समालोचक को संपूर्ण प्रकृति और जीवन के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। समालोचक को सहृदय होना चाहिए तथा उसे कलाकार के प्रतिपाद्य और भावों का ज्ञान होना चाहिए। समालोचक में बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। समालोचक को भाषा संबंधी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। समालोचक को सारग्राही होना चाहिए। समालोचक को स्वतंत्र विचारक होना चाहिए, उसे किसी साहित्यिक वाद से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। समालोचक को काव्य की विभिन्न शैलियों, शब्द शक्तियों, अलंकारों, छंदों, बिंबों, प्रतीकों आदि का ज्ञान होना चाहिए। समालोचक को अध्ययनशील होना चाहिए, उसे आलोच्य कृति का संपूर्ण अध्ययन कर लेना चाहिए। इसके बाद है आलोचक की सीमाएं, अर्थात आलोचना के दोष। आलोचना आलोचक की लापरवाही से कभी कभी बहुत दूषित हो जाती है। आलोचना को दूषित करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है पारिभाषिक शब्दों का निर्णय। प्रत्येक आलोचक आलोचना करते समय किन्हीं विशेष शब्दों का प्रयोग करता है। यदि वह इन शब्दों को अपनी आलोचना से पहले ही स्पष्ट नहीं कर देता तो पाठकों के भ्रांति में पड़ जाने की संभावना रहती है। अतएव सच्चे समालोचक का कर्तव्य होता है कि वह अपने समस्त पारिभाषिक और सांकेतिक शब्दों का स्पष्टीकरण पहले ही कर दे। दूसरा है शब्द शक्ति का ज्ञान। अभिव्यंजना में शब्द शक्तियाँ बड़ी सहायक होती हैं। आलोचना वास्तव में किसी कवि की अनुभूतियों और विचारों का स्पष्ट विश्लेषणात्मक विवेचन है। यह विवेचन तभी सफल हो सकता है जब आलोचक शब्दों के वास्तविक स्वरूप और प्राण से परिचित हो। तीसरा है साहित्य की आत्मा। सच्चे आलोचक को केवल आलोच्य वस्तु के बाह्य रूपों तक ही अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए। उसे आलोच्य वस्तु के प्राण को ज्यों का त्यों स्पष्ट कर देना चाहिए। फिर है विषय और मानदंड। आलोचना करते समय आलोचक को अपनी आलोच्य वस्तु तथा उसके मानदंड का सही व यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई फारसी के कवि को भारतीय काव्यशास्त्र की कसौटी पर कसे तो वह आलोचना असफल और अपूर्ण होगी। पांचवा है लक्ष्य की अनन्यता और आसक्ति। बहुत से आलोचक आलोचना करते समय आलोच्य वस्तु को भूलकर वैयक्तिक दृष्टिकोणों को स्पष्टीकरण में लग जाया करते हैं या व्यर्थ ही विषय से असंबंध बातों को लिखते हैं। छठा है अस्पष्टता। आलोचक को कवि के द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं और विचारों को इतना अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि वह उन्हें ज्यों का त्यों पुनः अभिव्यक्त कर सके। सातवां है अर्थ ज्ञान की असमर्थता। कई बार आलोचक शब्द के वास्तविक अर्थ को बिना समझे हुए ही उनकी आलोचना करने लगते हैं, फलतः आलोचना दूषित हो जाती है। आठवां है अति भावुकता। कुछ आलोचकों में भावुकता की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसे आलोचकों की अति भावुकता उन्हें सही आलोचना नहीं करने देती। नवां है रूढ़ी या पक्षपात की भावना। आलोचक को अपनी काव्यालोचन की कसौटी देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप बनानी चाहिए। अगर आज की नई कविता की आलोचना प्राचीन कसौटी पर कसकर की जाएगी तो आलोचना पक्षपातपूर्ण होगी, साथ ही दूषित भी हो जाएगी।
धन्यवाद।